हे गाइस, वेलकम बैक टू एफ नो रॉक्स। एंड आज मैंने एक क्विक स्कैल्प ट्रेड टाइप का ट्रेड लिया था। इट टर्न आउट टू बी अ स्कैल्प ट्रेड। वैसे मैंने प्लान तो किया था कि मैं लम खींचूंगी उसको, बट देन ऑब्वियसली मार्केट एक जोन के अंदर फंसा हुआ है, तो फिर आपको इतना अच्छा मूवमेंट आज नहीं मिल सकता। बट फिर भी मैंने ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि क्विक 1% कैसे आप बना सकते हैं सेफली थ्रू ऑप्शन सेलिंग, ये मैं रिकॉर्ड करके दिखाना चाहती थी आपको। ऑप्शन सेलिंग इसलिए क्योंकि आज वेंसडे है, थीटा डीके का हमें बेनिफिट मिल सकता है, और ऐसे चॉपी जोन में अगर आप बाइंग करोगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज देखिए, हर थोड़ी देर में एक रेड कैंडल, तो इस ऐसे मूवमेंट में ना ऑप्शन आपको बहुत फास्ट डीके होगा, और वो हम चाहते नहीं है एज ऑप्शंस बायर्स। तो हमें चाहिए होता है फास्ट स्पीडी मोमेंटम, समथिंग लाइक दिस ट्रेड, बट हमें यहाँ वो नहीं मिल सकता था। तो इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग ट्रेड ली थी। मैं आपको दिखा देती, अभी मैं वीडियो ऑन कर देती हूँ, उसको मैंने रिकॉर्ड किया था कि कैसे हमने क्विकली 1% बुक किया है। जिस चीज़ को 1% से प्रॉब्लम है, प्लीज़ ये वीडियो मत देखिएगा गया, बिकॉज वो एक गैम्बलर माइंडसेट हो जाता है। मैं गैम्बलिंग माइंडसेट पसंद नहीं करती हूँ। मैं स्टेडी बट स्मॉल रिटर्न्स में बिलीव करती हूँ। जब अच्छा रिटर्न मिल जाता है, दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर हमें स्मॉल रिटर्न्स में बिलीव होता है तो हम सेफली ट्रेड कर सकते हैं। एंड देन 1% अ डे इज़ नॉट लेस एट ऑल। 1% अ डे अगर आप बना लो, अगर महीने में आप 10 days भी सक्सेसफुली 1% बना लो, तो भी यू कैन closer 10% per month, which is like a lot of money in the long term. तो चलिए देर नहीं करते हैं, मैं वो वीडियो ऑन कर देती हूँ। प्लीज उसमें लॉजिक देखिएगा, प्राइस एक्शन का लॉजिक देखिएगा, और कैसे हमने ट्रेड को होल्ड किया थ्रू दिस थिक एंड थिन। जस्ट अ सेकंड। हाँ, वन सेकेंड। ओके, मैं आपको वो वीडियो ऑन करके दिखा देती हूँ। सॉरी, कोई आ गया था डोर पे। ओके, होपफुली यू कैन हियर। अब वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ट्रेड ले लिया है यहाँ पे, ये हैमर कैंडल बनने के बाद, वो भी सपोर्ट एरिया पे मैंने ये ट्रेड ले लिया है, जहाँ पे मैंने, एक सेकेंड, मैं आपको पोजिशन भी दिखा देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो मैं आपको पोजीशन दिखा देती हूँ अपना। यहाँ पे मैंने 41,100 के 5 lots सेल किया हुआ है, और उसको मैंने हेज किया है 41,100 के 5 lots से। तो ये दो पोजीशन पे ध्यान दीजिए, बाकी मेरे एक पोजिशनल ट्रेड्स चल रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। ओके, तो अभी हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं करेंटली। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, इवन ओपन इंटरेस्ट भी दिखा देती हूँ, बहुत बड़ा। एक सेकेंड होल्ड करिए। ओके, यहाँ पे देखिए 41,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो अभी हम एक बार टच कर सकते हैं उस एरिया को, और फिर हम नीचे आएंगे। तो अभी देखते हैं कि कहाँ तक ऊपर जाता है। ऊपर नीचे तो देखिए चलता रहेगा, हमें थोड़ा वेट करना सीखना पड़ेगा।
बट हाँ, हम एक बहुत क्रूशियल जोन के पास आ गए हैं. दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. ये प्रॉफिट ऊपर नीचे तो होता रहेगा. बट हमें वेट करना है टू चेक व्हाट हैपेंस. अब देखिए, जहाँ से हम आए थे हम वहीं पे वापस आ गए, और हमें अभी करंटली 217 रुपीज़, 90 रुपीज़, 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है. ये प्रॉफिट लॉस चलता रहेगा. आपको थोड़ा सा वेट करना है, देखना है मार्केट क्या करता है, कैसे रिएक्ट करता है इस एरिया में. अभी हम फिर वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. मैं यहाँ तक का टारगेट रखूँगी, डे हाई तक का. लेट्स सी अगर हम पहुँचते हैं या नहीं. आज वेंसडे है तो हमें थीटा डीके का काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है. सो देखते हैं क्या होता है. अब भी देखते रहिए. ये बहुत क्रूशियल एरिया पे है. देखते हैं यहाँ पे क्रॉस करता है या नहीं. फिर शायद यहाँ तक जाएगा ऊपर. अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है, बट इसने ये वाला एरिया जो है निकाल दिया. इसके ऊपर सब्सटेंशियल एक अच्छे हैमर से क्लोज कर दिया है. तो यहाँ पे आइडियली इसको सपोर्ट लेके ऊपर यहाँ तक जाना चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हो, ओपन इंटरेस्ट यहाँ मैक्सिमम है 41,500 पे. तो उसके आसपास तक तो ये जाना चाहिए. ऑब्वियसली हम सोचते कुछ होता कुछ और है, बट लेट्स सी. ऑप्शन बाइंग ट्रेड मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऑप्शन बाइंग में इतनी देर अगर स्टैगनेट होता हमारा ऑप्शन, तो ना वो बहुत ज़्यादा टाइम डीके हो जाता है. टुडे इज़ वेंसडे, तो वेंसडे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम डीके होता है, स्पेशली 12 बजे के बाद में. उस टाइम हमें अच्छा खासा टाइम डीके का फ़ायदा मिल सकता है. तो आप देखते रहिए कि कैसे मूव करता है प्राइस, एंड विल गो फ्रॉम देयर. 41,500 के आसपास मैं ट्राई करूँगी प्रॉफिट बुक करने का, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट लूजिंग आउट. जो भी मिल रहा है वो ले लेना चाहिए. अभी जा रहा है तो मैं कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास 125-120 के आसपास बुक करना पसंद करूंगी. I'm getting ready to book my profits.
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है. आई विल गो अहेड एंड बुक माय जस्ट अ सेकंड. स्टिल वॉचिंग कि क्या होता है यहाँ पे. ओके लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच. और मैंने क्लोज कर दी है. एक सेकेंड. ओके क्योंकि हम सब रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुके हैं तो फिर यहाँ पे रिस्क लेना अच्छा नहीं होगा. ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेट करके ऊपर जाए, बट जो प्रॉफिट हमारे पास आया है उसको क्यों जाने देना है, राइट? तो एक बार हम इसको क्लोज्ड पोजीशन दिखा देती हूँ मैं आपको. एक सेकेंड. ओके तो ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने पोजीशन क्लोज कर दिया है और मार्केट प्राइस पे गया था तो थोड़े से कम में बुक हुआ है. हमारा 3200 से ऊपर प्रॉफिट गया था बट बुक हुआ है 2592 रुपीज़ और 143 रुपीज़ गया है हमारे हेज का. अभी कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है पूरे दिन में तो आई विल ट्राई एंड सी कि वहाँ पर हम बुक कर सकते हैं या नहीं. ओके गाइज, तो अभी आपने देख लिया है कि कैसे मैंने ट्रेड लिया. प्लीज़ मेरे प्रॉफिट एंड लॉस पे फोकस मत करिए, आप फोकस करिए कि क्या लर्निंग थी इस वीडियो में और कैसे आप इसको सेटअप को यूज़ कर सकते हो विथ पेशेंस. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. एंड मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ तो मेरे लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे रिकॉर्ड करना एंड ऑल, बिकॉज आई दिस इज़ माई सोर्स ऑफ इनकम. आई डोंट वॉन्ट टू हैव माई अटेंशन डिवाइडेड एट एनी कॉस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लाइव वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, बट आई विल ट्राई to record some live videos for you all. Thank you so much guys for all the love that you have showered. Keep staying with FNO Rocks. Thank you.